You know just what you do to me. Play my emotions. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देखानी से कुजूर। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, आप लोगों से, मैं किचन में ही आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं किचन आ गई हूँ और मेरे हाथ में है चना दाल के डब्बे, जो बरसात के कारण ये दाल थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इससे कुछ बना लेती हूँ। तो इससे मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल पराठा बनाने जा रही हूँ। और ये दाल रखे रखे थोड़े से ख़राब भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो सबको निकाल के बना ही लेती हूँ कुछ। और ऐसे भी अभी मौसम ठंड है, इधर बारिश हो रही है तो मौसम ठंड है, तो गर्मी में तो दाल पराठा वगैरह सब खाने का उतना इच्छा नहीं होती है, पर अभी ठंड है तो सोची चलो दाल पराठा ही बना देती हूँ, ताकि ठंडी में थोड़ा सा खाने में भी, गर्म चीज़ खाने में थोड़ा सा मज़ा आए। और इधर अभी बारिश भी हो रही है, कभी बारिश आती है कभी छूट जाती है, मौसम का कोई ये नहीं रहता है। तो मैं इधर चढ़ा दी हूँ दाल को, इधर बॉईल होते रहेंगे। और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि बॉईल भी जल्दी हो जाए और दाल में थोड़ा सा नमक भी आ जाए, ताकि खाने में भी अच्छे लगे। बाद में और डालूँगी, पर अभी मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैं हल्दी भी डाल दूँगी, ताकि इसमें कलर अच्छा से आ जाए, दाल का कलर अच्छा दिखे। बॉईल होने के बाद इसमें दाल के कलर अच्छे दिखते हैं। और मैं अभी आ गई हूँ छत, तो देखिए इसका मौसम कैसा है, पूरा बादल छाया हुआ है, बादल किया हुआ है, क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है, पहले ही बारिश होके ख़त्म हो गई है, तभी तो छूट गई है बारिश। मैं ऐसे ही आ गई थी थोड़ा छत घूमने के लिए, फिर चलते हैं नीचे। और देखिए मेरे दाल इधर डबक रहे हैं, अभी तो बॉईल नहीं हुए हैं, क्योंकि चना दाल है तो बॉईल होने में टाइम लगेगा ही, चना दाल जल्दी बॉईल नहीं होते हैं। तो सोची चलो तब तक मैं इधर कपड़े वगैरह सब समेट लेती हूँ, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ धोया था। एक तो बारिश में कपड़े सूखते नहीं हैं, पर मेरे घर में कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि मत पूछिए, क्योंकि बाबू है तो बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा करता है, इधर से उधर बेड में सोफ़ा में पूरा ऐसे ही कूदना, तो डेली कपड़ा धोना ही रहता है। एक तो बच्चों लोग का कपड़ा, फिर बेडशीट वगैरह, डेली मेरा काम रहता है कपड़ा धोना समेटना। तो इधर मेरे कपड़े भी हो गए समेटा हुआ, और इधर मेरे दाल भी शायद बॉईल हो गए हैं, पता नहीं बॉईल तो हुए हैं या नहीं, पर मैं चेक करके देखती हूँ, क्योंकि चना दाल है तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं बॉईल होने में। तो इधर मैं चेक कर रही हूँ, तो शायद मेरे दाल बॉईल नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो मैं तब तक इधर आटा लगा लेती हूँ, आटा गूंथ के रख देती हूँ, तब तक मेरे दाल भी बॉईल हो जाएंगे और मेरे आटा गूंथा हुआ भी हो जाएंगे। और आटा को थोड़ा सा पहले गूंथ के रखूँगी, थोड़ा सा आटा भी सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से, और उनका पराठा भी अच्छा बनेगा। तो पहले गूंथ के रख देने से, मैं इधर आटा निकाल ली हूँ और मैं इधर गूंथना भी शुरू कर दी हूँ। मेरा आटा गूंथना भी हो गया है और मेरे दाल भी बॉईल हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल देती हूँ और मैं इसे सूप में निकालूंगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि दाल को हमें वो गीला नहीं रखना है, उसे पूरा फ्रेश रखना है, क्योंकि मुझे दाल को पीसना है। अगर गीले रहेंगे तो पीसने में पूरा चिपचिप हो जाएंगे, तो फ्रेश रखना है। तो इधर मैं सारे दाल को निकाल दी हूँ, और मैं इधर गलने के लिए छोड़ दी थी, तो मेरे दाल के सारे पानी निकल गए हैं। तो मैं थोड़े से पंखे में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पंखे में रख दूँगी तो थोड़ा जो हवा लगेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएंगे। और इधर बाबू दाल में नमक मिला के खा रहा है, ताकि बॉयल दाल है तो खाने में अच्छा लग रहा है। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ बाबू को दूध देने का, क्योंकि उसका शाम के दूध पीने का टाइम है, और पिलाना तो मुझे ही पड़ता है, क्योंकि वो तो खुद पीता नहीं है, बाकी सब कुछ खाना वगैरह खुद खा लेगा, पर दूध तो मेरे हाथ से ही पिएगा। मैं आ गई हूँ इधर उसको दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाना हो गया है, और इधर इसके पापा बाबू का साइकिल चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा चैन उतर गया है। तो और मेरे दाल भी पूरे एकदम फ्रेश हो गए हैं सूख के, क्योंकि पूरा पानी निकल, तो मैं इसे पीस देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सिला लोड़ी नहीं है, तो मैं इसे चकला बेलना में ही पीस रही हूँ।
तो मैं सारे दाल को ऐसे ही पीस लूँगी, क्योंकि बॉयल हैं तो आसानी से पीसा जा रहे हैं, इसलिए लाल लोनी की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही इसी में हो जा रहा है आसानी से, बहुत आराम से। तो इधर मैं सारे दाल को पीस ली हूँ, मेरे सारे दाल हो गए हैं और देखिए कितने फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, इससे ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना पड़ता है, पूरे फ्रेश हो गए हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा मिला दूँगी अजवाइन, इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ, क्रश कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला डाल दूँगी और फिर मैं डाल दूँगी नमक। देखिए मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो मैं भी ज़्यादा नहीं डालूँगी और साथ में डाल देती हूँ तेल ताकि स्वाद इसका अच्छा है। मैं जब भी दाल पराठा बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत कोई है कि दाल को फ्राई करते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मेरे दाल भी मिक्स हो गए थे तो मेरा आटा भी लगा लिया था पहले ही, तो मैं इसमें अब गोला करके इसमें मैं भरते जाऊँगी क्योंकि रात भी हो रही है तो मुझे फटाफट से करना है। मैं सारे गोलों को एक ही बार में सबको भर के रख दूँगी, जितने भी आटे हैं सबको मैं एक ही बार में भर के रख दूँगी, बस बाद में केवल बनाते जाऊँगी ताकि जल्दी हो जाए, उधर बन भी जाए और उससे कोई गरम गरम खा भी ले। मैंने इधर सारे आटे को गोला बना लिया है और मैं आ गई हूँ बनाने के लिए रोटी। तो देखिए मैं बनाते जा रही हूँ और इधर मैंने डाल दिया है तवा, मैं पलटा दी हूँ और मैं सरसों तेल का यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर सरसों तेल का ही यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइन का नहीं करती हूँ क्योंकि रिफाइन वाले पराठा बच्चे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा सरसों तेल का ही यूज़ करती हूँ और इसका टेस्ट भी हम लोगों को अच्छा लगता है। अब जिसको जैसा पसंद हो, पर ज़्यादा मेरा कोई भी वीडियो देखे होंगे तो मैं ज़्यादातर सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ। बस मेरे घर में रिफाइन यूज होता है, जब पूरी मैं बनाती हूँ तो रिफाइन तेल से पूरी बनाती हूँ, बाकी मैं सारे पराठा वगैरह जो भी पराठा हो, सिंगल पराठा हो, तो वो भी मैं सरसों तेल का ही यूज करती हूँ। तो इधर मेरे फटाफट से मैंने बना लिया है और सारे मेरे हो गए हैं, तो मैं इधर अब थोड़ा सा समेट देती हूँ। मेरे सारे पराठा वगैरह सब बन गए थे, दाल पराठा इसको बहुत लोग दाल पूड़ी भी बोलते हैं, दाल पराठा भी बोलते हैं। मेरे पराठे सारे तो बन गए हैं, तो चलिए थोड़े से मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ भी बनाओ रोटी पराठा तो बहुत ज़्यादा आटा गिर ही जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और किचन तो रात में ही साफ़ करके रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों लोग का फिर मॉर्निंग में स्कूल भी रहता है। और देखिए मेरे थोड़े से दाल भी बच गए हैं, मैं इसे रख देती हूँ ताकि बच्चों लोग को सुबह स्कूल के लिए काम आ जाए। और इधर मेरे सारे बर्तन देखिए गंदे हो गए थे, मैं कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाओ तो बर्तन ज़्यादा गंदे ही हो जाते। छोड़िए मैं बाद में बर्तन धोऊंगी, पहले मैं खाना निकाल लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी को चाहिए कि जब खाना बन जाए तभी ही मैं निकाल के दे दूँ गरम गरम, इस क्योंकि रोटी भी ठंडी हो जाए तो पसंद नहीं है, इसलिए मैं अभी गर्मा गर्म मैं पराठा भी दूँगी। और सब्ज़ी में है मेरे पटल और आलू की सब्ज़ी, तो मैं सब्ज़ी तो पहले ही बना ली थी और बाबू को मैं सॉस के साथ दे रही हूँ क्योंकि बाबू पहले ही बोल दिया है कि मैं सॉस के साथ खाऊँगा, तो मैं उसे सॉस के साथ दे रही हूँ। मैं बाबू और उसके पापा को पहले दे देती हूँ क्योंकि बाबू खाने में बहुत टाइम लगाता है और उसके पापा को है कि जल्दी खा के उसको जल्दी सोना रहता है क्योंकि सुबह में फिर ड्यूटी रहती है और बच्चों लोग का स्कूल भी रहता है। तो मैं इधर खाना उना खा के बर्तन धो के आ गई हूँ, थोड़ा सा बैठ गई हूँ पानी पीने के लिए। और अभी मैं लाइट वगैरह सब बंद करके जाऊँगी, इधर मैंने लाइट बंद कर दिया है, तो मैं अब अपना वीडियो भी बंद करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।